विधानसभा क्षेत्र मऊरानीपुर के अंतर्गत निकले हुए झांसी खजुराहो हाईवे पर आज कृष्ण और बलदाव को वृंदावन धाम से भारद्वाज की यात्रा पर लेकर निकले हुए कुछ कृष्ण भक्तों से हमारी मुलाकात हुई। इस संबंध में जब उनसे बात की गई तो कृष्ण भक्तों ने बताया कि सनातन धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए यह यात्रा पूरे विश्व में जारी बनी हुई है। साथ ही 34 वर्षों से यात्रा लगातार जारी है, तो वहीं भारत में भी यह यात्रा लगातार जारी बनी हुई है। कृष्ण बलराम रथ पे विराजमान है। इन दोनों भाई को लेकर हम गांव-गांव, शहर-शहर, नगर से नगर, पूरे उत्तर प्रदेश में साल के 12 महीने इसी तरह पैदल यात्रा करते हैं सनातन धर्म के प्रचार के लिए। और सनातन धर्म का जो मुख्य ग्रंथ है श्रीमद् भगवद गीता, इसी का प्रचार प्रसार और वितरण करता ही रथ गांव-गांव, शहर-शहर, नगर जाके प्रत्येक दिन अलग अलग जगह जाके शाम को हम नगर संकीर्तन करते हैं, आरती होती है, भगवान की कथा होती है, तत्पश्चात सबके लिए हम भगवत प्रसाद वितरण करते हैं। और सनातन धर्म की जागरूकता के लिए गांव-गांव जाकर हम इस सनातन धर्म का जो मुख्य ग्रंथ भगवद गीता इसको बांटने का प्रयास करते हैं। आप हरे कृष्णा, आपके साथ कौन कौन है आपके? हमारे साथ 10 से 15 भक्त हम चलते हैं। पीछे हमारा और भी सेटअप है, हम बाहर का कुछ भोजन वगैरह नहीं करते, हमारा बनाते हैं। तो पीछे एक ट्रैक्टर, उसमें 2 ट्रॉलियां है, उसमें बैलों का सामान, हमारा किचन, हमारा सामान और पुस्तकें। हम 15 भक्त इसी तरह गांव-गांव, नगर-नगर भ्रमण करते हैं। सभी लोग अपने यहीं से हैं या बाहर से हैं आप लोग? सब अलग अलग जगह से हैं, बट इस्कॉन संस्था से जुड़े हुए हैं, सब ब्रह्मचारी भक्त हैं। ये सब घर द्वार हम छोड़े हुए और भगवान की सेवा में लगे हुए हैं। अभी आपने लगभग कितनी यात्रा कर ली है, पद यात्रा? ये उत्तर प्रदेश पद यात्रा 4 साल से चल रही है। इस तरह पिछले 34 साल से असंख्य यात्रा, खाली भारत में नहीं, भारत के बाहर ही चल रही है 34 साल से। एक हमारी ऑल इंडिया पद यात्रा चल रही है 34 साल से, जो पूरा भारत भ्रमण करती है, और पूरा भारत भ्रमण करने में 12 साल लगता है। तो हमारी ये यात्रा 4 साल से। बने रहिए पब्लिक वाइब के साथ। लोकल न्यूज वीडियो के लिए डाउनलोड करें पब्लिक वाइब ऐप।